तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक है ट्रीटमेंट फॉर लॉस ऑफ गुड्स। चैप्टर चल रहा था हायर परचेज, और हायर परचेज का टॉपिक हमारा है ट्रीटमेंट फॉर लॉस ऑफ गुड्स। तो आप लोग मेरे साथ साथ इसकी हेडिंग डालें, ट्रीटमेंट फॉर लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स। अब आपके मन में एक विचार उठेगा, सर ये क्या नया टॉपिक है, क्या गुड्स का लॉस हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट सिखाएंगे। तो देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी कि इस टॉपिक पे, इस कंसेप्ट पर मैं क्या बात कहना चाहता हूं। तो ये जो एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपके स्टडी मटेरियल का, जो आईसीआई जो आपके इंस्टीट्यूट है उसका स्टडी मटेरियल का, आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लिखने जा रहा हूं, और इस इन्फॉर्मेशन को मेरे साथ साथ आप लिखते चले जाएं, और फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व होना है क्वेश्चन ये। तो देखिए, आपको एसेट्स दे रखी है दो, एक है ट्रैक्टर ए और एक है आपको ट्रैक्टर बी। एक ट्रैक्टर ए की इंफॉर्मेशन है, एक ट्रैक्टर बी की इंफॉर्मेशन है, दो तरीके की एसेट्स हैं। और फिर दे रखी है आपको डेट ऑफ परचेज, फिर हमें क्या दे रखा है, डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 2001, एंड ट्रैक्टर बी की डेट ऑफ परचेज है 1 अक्टूबर 2001। कैश प्राइस दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर, कैश प्राइस दे रखी है 14,000 एंड 19,000, 14,000 एंड 19,000। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दे रखी हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इसमें भी 24 है और इसमें भी 24 है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना दे रखा है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ठीक है, यहां है 600 ईच और यहां है 800 ईच। और इसके नीचे आपको लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन के अंदर, कमेंसिंग ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ परचेज, ऑफ मंथ ऑफ परचेज, मंथ ऑफ परचेज। कुछ और इंफॉर्मेशन भी हैं, वो भी लिख देते हैं। आपको इंफॉर्मेशन में दे रखी है, देखिए डेट दे रखी है आपको ट्रैक्टर बी की 1 अक्टूबर 2001, और यहां इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको लिखा हुआ है ऑन 30 जून 2002 ट्रैक्टर बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ट्रैक्टर बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर ठीक है जी, फायर से डिस्ट्रॉयड हो गया। और नंबर आगे की जो इंफॉर्मेशन है लिखा हुआ है, और इसके वजह से जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करा रखा था उसको, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमको अमाउंट रिकवर हो गया ऑन 10 जुलाई 2002। इंश्योरेंस कंपनी पेड ₹15,000, पेड ₹15,000। और फिर इंफॉर्मेशन दे रखी है, एनी बैलेंस ऑन द हायर परचेज कंपनीज, ऑन द हायर परचेज कंपनीज कंपनीज अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन टू बी रिटर्न ऑफ, इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शन टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ ठीक है जी। आगे लिखें, फर्म प्रिपेयर अकाउंट्स एनुअली ऑन 31 दिसंबर,
ऑन 31st दिसंबर। डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन दे रखी है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन SLN बेसिस एट द रेट 20% पर एनम, एट द रेट 20% पर एनम। अब इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन द फॉलोइंग अकाउंट, दीज ट्रांजेक्शन, these transactions in the following account, in the following account। अब वो किस तरीके से कौन कौन से अकाउंट बना के अपन को इंफॉर्मेशन दिखानी है, तो फर्स्ट है ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज बनाना है, ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज, यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो हमें एसेट्स अकाउंट बनाना है, और सेकेंड नंबर डेप्रिसिएशन ना बनवा के हमसे अब की बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनवाया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एंड थर्ड डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर। तो ये तो था सारा क्वेश्चन आपका, तो अब देखना यह है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है हमने, तो चलिए तो देखते हैं ये मॉड्यूल का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो 9 है इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैं अब आपको इसको सॉल्व करना समझाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है हमने, बहुत ही आसान है। तो देखिए हमने जो अकाउंट बनाने हैं तो तीनों अकाउंट हम साथ साथ बनाएंगे, इसके अंदर जो तीन आपसे अकाउंट पूछे गए हैं ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज, तो सबसे पहले आप ऊपर ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज के लिए फॉर्मेट खींच दें, ठीक है जी। ये हो गया आपका ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज। अब इसमें मजे की बात यह है कि इसमें दो तरीके की एसेट्स हैं हमारे पास, तो किस तरीके से दोनों तरीके की एसेट्स की इंफॉर्मेशन अपन को देनी है वो देखेंगे। तो डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है जी, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो ऊपर हम हेडिंग डाल देते हैं ट्रैक्टर ऑन पर सॉल्यूशन लिखें और लिखें ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज, ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज, और ये आ जाएगा यहां पर डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ये करने के बाद अब हमें साथ साथ फॉर्मेट पहले एक बार हमको तीनों के बना लेने हैं जिससे हमें क्वेश्चन को समझने में, सॉल्यूशन को समझने में दिक्कत ना आए। तो इसी के साथ साथ आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बना लीजिए, तो यहां पर हमारा अकाउंट बन जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये हो जाएगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड अगेन डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। और यहां बनाएंगे हम डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर, यहां बनाना है हमें किसका अकाउंट, डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर। तो जैसा कि आप लोगों ने अपनी बचपन में छोटी क्लासेस के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखा है, बस उसी को ध्यान रखते हुए ही ये अकाउंट भी बनेगा यहां पर। तो वही आ गया डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट एंड फिर डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है जी।
तो चलिए बच्चों, इसके अंदर देखिए डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे हम, डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जब हम एसेट्स की जो एंट्री किया करते थे, तो एसेट्स की आप एंट्री किया करते थे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और ये एंट्री आपकी कैश प्राइस से हुआ करती थी। तो अगर हम ट्रैक्टर ए और ट्रैक्टर बी के अंदर देखें, तो हमारी कैश प्राइस 14,000 और 19,000 है। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे डेट 1 अप्रैल 2001 और 2, और यहां पर आ जाएगा 2। अब क्या नाम है यहां पर, जिनसे हम परचेज कर रहे हैं वो है हायर परचेज कंपनी, हायर परचेज कंपनी, वेंडर का नाम क्या है, एचपी कंपनी, हायर परचेज कंपनी, और ब्रैकेट में आप क्योंकि आपको याद रहे लिख दीजिए हायर वेंडर, हायर वेंडर। तो यहां पे ट्रैक्टर ए का और ट्रैक्टर बी का दोनों का आ जाएगा, ट्रैक्टर ए का 14,000 है एंड ट्रैक्टर बी का दे रखा है 19,000, तो 14 एंड 19 दोनों का टोटल बाहर आ जाएगा, 14,000 एंड 19,000, तो 14 एंड 19 का टोटल कर लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 33,000। ठीक है जी। अब देखिए, अब ये ईयर हमारा कब बंद हो रहा है, ये ईयर हमारा बंद हो रहा है, यहां पर ये बात बताई गई थी, जो ईयर है आपका 31 दिसंबर में बंद होगा, तो यहां पर हम इसको 31 दिसंबर में बंद करेंगे, 31 दिसंबर 2001, और पहले साल को हम अगर क्लोज करते हैं तो यहां पर आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी, और हमारा ट्रैक्टर ए और ट्रैक्टर बी दोनों का आ जाएगा, ट्रैक्टर ए एंड ट्रैक्टर बी। ठीक है, और ये हो जाएगा यहां पर 14,000 और ये हो जाएगा 19,000। ठीक है जी, 14,000 एंड 19,000। तो आप चाहें तो इसको भी अंदर लिखकर और फिर टोटल बाहर लिख लीजिए, जिससे सिमिलर हो जाए, 14,000 एंड 19,000 और टोटल आ जाएगा 33,000। तो ये पहला साल खत्म, तो यहां पर भी 33 और यहां पर भी 33,000 आ जाएगा। अब देखिए, पहले साल के अंदर अगर हम बात करें कि तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितना आएगा, एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो आप 31 दिसंबर 2009 के अंदर, सॉरी 31 दिसंबर 2001 में, तो हम क्या एंट्री करने वाले हैं, 31 दिसंबर 2001 में आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रैक्टर ए का, ट्रैक्टर ए का कैलकुलेट करेंगे, और वो कैलकुलेट आपके हो जाएगा 14,000 के ऊपर कैश प्राइस के ऊपर, और 20% की रेट से, और कितने मंथ्स का हो जाएगा। अब आप देखें, यहां पर हमने 1 अप्रैल में परचेज की थी, हमें क्वेश्चन के अंदर यहां पर डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2001, तो अप्रैल से लेकर अगर दिसंबर तक देखूं, क्योंकि मेरा 31 दिसंबर को ईयर एंडिंग हो रहा है, तो हमारे 9 मंथ्स हो जाते हैं, तो यहां 9 मंथ्स का आ जाएगा 2100, तो 2100 का आपका डेप्रिसिएशन हो गया। ऐसे ही मैं ट्रैक्टर बी का भी निकालूंगा, तो ट्रैक्टर बी में 19,000 रुपीज अमाउंट था कैश प्राइस, उसका फिर से वही 20%, लेकिन यहां पर जो डेट ऑफ परचेज है वो है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से अगर हम गिने तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो यानी 3 महीने का डेप्रिसिएशन हो जाएगा यहां पर, और ये 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 950। अब दोनों का डेप्रिसिएशन जोड़कर अपन बाहर दिखाएंगे, 2100 एंड 950, ये आ गया 3050। ठीक है जी। और अब आप इस ईयर को भी यहां पर 31 दिसंबर 2001 करके बंद कर दीजिए, टू बैलेंस सीडी, और यहां पर ट्रैक्टर ए एंड ट्रैक्टर बी का आ जाएगा, ट्रैक्टर ए का 2100 है और ट्रैक्टर बी का 950 है, तो टोटल मिला के हो गया 3050, और ये हो गया यहां पर इसका टोटल, और यहां हो गया ये इसका टोटल। तो देखिए बच्चों, पहला साल कंप्लीट हो चुका है। अब आपके मन में एक विचार उठेगा कि सर, पहला साल तो कंप्लीट होने को आया, लेकिन आपने डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर के अंदर तो कुछ लिखा नहीं। तो बच्चों देखो, डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर के अंदर हम कोई चीज को तब लिखते हैं जब
इंश्योरेंस कंपनी से जैसे आपको पैसा वसूल होगा तब हम एंट्री करेंगे, या हम जब कभी भी कोई एसेट को बेचते हैं तब वहाँ पर एंट्री होती है, लेकिन जब तक आपने कोई एसेट को नहीं बेचा या जब तक आपकी कोई इंश्योरेंस कंपनी से या अपना पैसा अपन को रिकवर नहीं हुआ तब तक यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। तो इस हिसाब से चलें तो हमें यहाँ पर आपका जो बैलेंस सीडी है वो बीडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2001 था, तो यहाँ 1 जनवरी 2002 करके हमारा ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर टू बैलेंस बीडी, और ये आ जाएगा यहाँ पर ट्रैक्टर ए वही 14,000 और ट्रैक्टर बी का आ जाएगा 19,000, दोनों मिला के आ गया हमारा 33,000 का। अब बैलेंस ट्रांसफर आपने कर दिया यहाँ पर, अब नेक्स्ट ईयर के अंदर यहाँ पर भी आप बैलेंस ट्रांसफर करें, जो ये बैलेंस सीडी था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का वो भी बीडी में ट्रांसफर हो जाएगा 1 जनवरी 2002। जो टू बैलेंस सीडी है वो बाई बैलेंस बीडी नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी ट्रैक्टर ए 2100 और ट्रैक्टर बी में 950 और दोनों मिला के हो गया हमारा 3050। अब देखिए बच्चों, जो सेकंड ईयर है हमारा, अब सेकंड ईयर को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो सेकंड ईयर के अंदर हमने क्या चीज देखी, अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 30 जून 2002। अब देखिए यहां पर 2002 ईयर स्टार्ट हो चुका है। अब ये 30 जून 2002 की बात करें कि 30 जून 2002 के अंदर जो ट्रैक्टर बी है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए ऑन 30 जून 2002 ट्रैक्टर बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर और इंश्योरेंस कंपनी ने 15,000 रुपीज पे कर दिए, क्योंकि ट्रैक्टर बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ है इसलिए इसकी पोस्टिंग किस तरीके से हो जाएगी, यहां पर 30 जून के ऊपर जाके आप क्या एंट्री करने वाले हैं 30 जून 2002 पे, हम लिखेंगे यहां पर बाय बैंक ना लिख के बाय डिस्पोजल लिखेंगे, बाय डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर। ओवरऑल टोटल ट्रैक्टर कितना का है, ट्रैक्टर बी वो 19,000 का था ट्रैक्टर बी और वो पूरा डिस्पोज हो गया। और इसी तरीके से क्योंकि आप जैसे ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज के अकाउंट में बाय डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर भी लिख रहे हैं, तो डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर बी अकाउंट में आप क्या काम करेंगे, आप लिखेंगे टू ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज, यानी इसका नाम लिखेंगे आप ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज एसेट्स का नाम। तो 30 जून 2002 में जाके आप लिखेंगे बाय नहीं डेबिट साइड में तो टू आएगा, टू ट्रैक्टर ऑन जो चीज बाय की थी बाय डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर भी उसको यहां पर लिखेंगे टू ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज, ठीक है जी। तो यहां पर आ जाएगा बी ट्रैक्टर के बारे में बात हो रही है हमारी 19,000 रुपीज। और अब आप देखिए यहां पर हमारा इंश्योरेंस कंपनी से जो हमें पैसा मिला है 30 जून 2002 को ही क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 15,000 रुपीज दे दिए 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई लिखेंगे यहां पर 10th of July 2002 को इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिल गए बाय कैश, इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया हमें कितना 15,000 रुपीज। और अब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इस साल का डेप्रिसिएशन लिखेंगे, हम सबसे पहले आप लिखेंगे June 30, 2002 का जो आपकी ट्रैक्टर बी था उसका डेप्रिसिएशन बाय पीएनएल ट्रैक्टर बी और 19,000 रुपीज थी। और अब आप देखें 20% का डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे कितने मंथ्स का, जून तक का निकालना जनवरी से, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 मंथ्स का, तो आप 6 मंथ्स का निकालेंगे इंटू 6/12 और हमारे पास आ जाएगा ये 1900। अब देखिए बच्चों, अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन याद है क्लास 11 क्लास का और नहीं है तो मैं आपको फिर याद दिला देता हूं। इस मेथड के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी, जब हम मशीन को बेचते हैं या इंश्योरेंस कंपनी से उसका अमाउंट रिकवर होता है तो उसका अब तक का जितना डेप्रिसिएशन होता है उन सबका टोटल करके, उसका अब तक का जितना डेप्रिसिएशन होता है उन सबका टोटल करके टू मशीन करके हम एंट्री करते हैं। तो अब आप देखिए यहां पर ट्रैक्टर बी का अब तक का 950, देखो 950 पहले वाला डेप्रिसिएशन था और अब हो गया 1900, तो टोटल 2850 को हम टू मशीन करके दिखाएंगे। लेकिन यहां पर अगर डिस्पोजल अकाउंट बना रखा है तो आपको मशीन की जगह क्या नाम लिखना होता है, डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर। तो अब तक का कितना हो गया 950 और 1900, ये ट्रैक्टर बी का ही करेंगे अपन, 950 प्लस
1900, क्योंकि यही इसका मेथड होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जिस मशीन को बेचते हैं या इंश्योरेंस कंपनी से आपको रिकवर होता है उसका आज तक का जितना डेप्रिसिएशन है उसको टू मशीन करके दिखाते हैं, अगर डिस्पोजल अकाउंट नहीं होता तो। और अगर डिस्पोजल अकाउंट होता है तो सारे का सारा अमाउंट डिस्पोजल के अंदर से ही चार्ज होता है। तो यहां अमाउंट आ जाएगा आपका 2850 30 जून। और अब आप देखिए, आप अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैं टू डिस्पोजल दिखा रहा हूं तो डिस्पोजल अकाउंट में मैं क्या दिखाऊंगा, 30 जून पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2850। और अब आपको यहां पर जो आपकी ट्रैक्टर ए जो बचा हुआ था उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखें 31 दिसंबर 2002 बाय ट्रैक्टर, बाय पीएनएल करके ट्रैक्टर ए, डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर ए, और वो आ जाएगा 14,000 रुपीज पे 20%, क्योंकि एसएलएम मेथड है इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालेंगे, और वो आ जाएगा 2800। अब अगर हम इसका बैलेंसिंग फिगर करते हैं तो 31 दिसंबर पे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 2 बैलेंस CD करके, और यहां पर अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा 4900, ये टोटल हो जाएगा यहां पे, और 7750 टोटल आ रहा है, 7750। और इसी तरीके से अब हम ऊपर बात करें तो ऊपर अब आपका जो आपका एसेट्स अकाउंट था, हम एक एसेट्स अकाउंट का भी बैलेंस निकाल लेंगे 31 दिसंबर 2002 में बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD आ जाएगा 14,000, ये भी बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट आ गया। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बंद हो गया और ये अकाउंट भी हमारा क्लोज हो जाएगा 33,000, और ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच हो गया 33,000। और अब आप देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर अपने कितना आ जाना है। अब हम बात करेंगे डिस्पोजल की, तो डिस्पोजल में देखिए 15,000 आ चुका है, 2850 आ गया, ये आ गया। अब जो इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो प्रॉफिट और लॉस होगा, तो अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे 31 दिसंबर पे आप पीएनएल से चार्ज कर लेंगे, तो उसका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है तो वो लॉस माना जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। और इसका मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला उस वजह से हमको ये लॉस हो गया, यानी पूरा अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, और हमें अमाउंट जो तक हम रिकवर हुआ वो 1150 था, तो 1150 आपके लॉस में चले जाएंगे। और यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा 1900 और 1900। तो इस तरीके से ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपके मॉड्यूल का होना था। तो उम्मीद करता हूँ ये इलस्ट्रेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्यूटी मेथड। तो आप लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डालें, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्यूटी एन्यूटी मेथड। तो मैंने आप लोगों को कैश प्राइस कैलकुलेट करना सिखा दिया था बाय रिवर्स कैलकुलेशन मेथड, और अब हम सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्यूटी मेथड। तो एन्यूटी मेथड से कैसे कैश प्राइस को कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल से हर चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लिखें यहां पर डाउन पेमेंट, सबसे पहले लिखें आप डाउन पेमेंट ₹10,000, फिर लिखें एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स 3 ईयर्स, ठीक है, ये हैं आपके एनुअल इंस्टॉलमेंट आपकी दे रखी है 10,000 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 8% पर एनम। और क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय सिंपल एंड एन्यूटी मेथड। तो हमको दोनों तरीके से कैलकुलेट करके दिखाना है, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय सिंपल, सिंपल यानी वही रिवर्स कैलकुलेशन मेथड, रिवर्स कैलकुलेशन
मेथड, और दूसरा तरीका है एंड एन्यूटी मेथड। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, अब आप लोगों को सिंपल मेथड से तो करने का तरीका बताइए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एन्यूटी मेथड की, कि एन्यूटी मेथड से किस तरीके से हम कैश प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। तो लिखें इसमें ईयर, अब कितनी इंस्टॉलमेंट है, तीन इंस्टॉलमेंट है, ईयर वन, ईयर टू एंड ईयर थ्री। अमाउंट दे रखा है हमें, ठीक है जी, हमें इसके अंदर अमाउंट दे रखा है, कितना इंस्टॉलमेंट के अमाउंट हमें दे रखे हैं, 10,000 की एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 10,000 की, तो 10,000 लिख दिया आपने, यहां पर भी 10,000 लिख दिया एंड अगेन 10,000 लिख दिया। पीवी फैक्टर, पीवी फैक्टर कितनी है, 8%, और ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू। अब क्योंकि आप लोगों ने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट के अंदर ये सारी बात पढ़ चुके हो कि पीवी फैक्टर अपन कैसे निकालते हैं अपने कैलकुलेटर पे, 1/1.08 करके हम निकालते हैं पीवी फैक्टर, तो इसका आ जाएगा 0.926, इसका आ जाएगा 0.857 और इसका आ जाएगा 0.794। और जिन बच्चों को नहीं पता कि पीवी फैक्टर कैसे निकालते हैं, मैं उनको फिर बता देता हूं, अपने कैलकुलेटर पे जब आप 1/1.08, 8% है तो 08, 7% है तो 07 और 10% है तो 1.10 ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर 8% है तो 1/1.08 करेंगे और इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, पहली बार जब आप इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो ये फिगर आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम फिर से आप इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो ये वाली आ जाएगी, थर्ड टाइम करेंगे तो ये फिगर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेटर के ऊपर पीवी फैक्टर निकाल लेते हैं। अब आपको क्या काम करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 10,000 को 0.926 से इंटू करना है, तो आएगा हमारे पास 9260 एंड 10,000 को 0.857 से करेंगे तो आ जाएगा 8570 एंड 10,000 को 0.794 से करेंगे तो आ जाएगा 7940 और ये आ जाएगा 25770। अब देखिए, अब हमने हमारी अगर हम इसके अंदर कैश प्राइस निकालने की बात करें तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई हमारे पास, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। तो ये प्रेजेंट वैल्यू के अंदर अगर आप डाउन पेमेंट जोड़ देते हैं तो आपकी कैश प्राइस आ जाएगी 25770 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 35770। तो इस तरीके से ये हमने एन्यूटी मेथड से तो निकाल लिया, और इसी क्वेश्चन को एक बार मैं आपको सिंपल मेथड से भी करके दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन को हम सिंपल मेथड से कैसे किया करते थे, रिवर्स कैलकुलेशन, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों ही बातें पूछी गई हैं, तो आप रिवर्स कैलकुलेशन से भी करके दिखा दीजिए। तो सेकेंड अपना मेथड हो गया सिंपल मेथड, जिसको अपन रिवर्स कैलकुलेशन मेथड भी कहते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन मेथड। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप थर्ड इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले बात आ जाएगी थर्ड इंस्टॉलमेंट की, 10,000 की इंस्टॉलमेंट थी इनटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं तो यानी 108, ये आ जाएगा 9259। फिर उसके बाद अब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करेंगे तो ये आ जाएगा 9259 प्लस के 10,000, ठीक है, और इनटू 100/108 ये आ जाएगा आपके पास 17832। और रिवर्स के हिसाब से चल रहे हैं, इसके बाद अब हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में बारी आएगी, तो ये आ जाएगा 17832 प्लस के 10,000 इंटू 100/108, तो ये हो जाएगा 25770। अब हमें कैश प्राइस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आंसर सेम आएगा दोनों तरीके से, जो आपके 25770 आया है इसमें हम प्लस कर देंगे हमारा डाउन पेमेंट 10,000 का और हमारे पास कैश प्राइस आ जाएगी 35770। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है एन्यूटी मेथड से किस तरीके से कैश प्राइस कैलकुलेट करनी है आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हो।
तो चलिए बच्चों, एन्यूटी मेथड के ऊपर हमारे पास हमारे मॉड्यूल का भी एक क्वेश्चन है और हमारे स्टडी मटेरियल का, तो वो भी करके देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपके स्टडी मटेरियल का है, आपके मॉड्यूल का, आईसीआई के मॉड्यूल का। तो उसमें आप देखें, लिखा है गिवन दैट इंफॉर्मेशन में कि आपको एसेट्स दे रखी है क्या, मशीन, और कॉस्ट क्या है मशीन की, 90,000 की। डेट ऑफ परचेज आपको दे रखी है, डेट ऑफ परचेज दे रखी है 1 अप्रैल 2001, और एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रखी हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब आप देखें, 90,000 की अगर मैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कर दूं तो कितने की हो जाएंगी, 30,000 ईच। ठीक है जी, 30,000 ईच। ठीक है जी। अब इसके अंदर एक बात और लिखी है कि इसमें कंबाइंड क्या हुआ है प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन दैट है कि कंबाइनिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है जी। आगे लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% की, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, और अज्यूम अज्यूम दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ऑफ 1 रुपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ऑफ 1 रुपी फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स एट 5% इंटरेस्ट इज, एट 5% इंटरेस्ट इज 2.723। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, हम कैश प्राइस कैलकुलेट करते हैं यहां पर एन्यूटी मेथड से। तो ऊपर आप हेडिंग डाल दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्यूटी मेथड, बाय एन्यूटी मेथड। और हमें दे रखा है ईयर 1, 2 एंड 3। ठीक है, और ये है हमारे पास अमाउंट 30,000, 30,000 एंड अगेन 30,000। और हमें पास देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। तो हम पीवी फैक्टर निकालेंगे अब हम 5% का। तो जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेटर पर समझाया था, 1 डिवाइडेड बाय 1.05 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.952, अगेन इज इक्वल टू दबाएंगे तो आएगा 0.907 एंड 0.864, और इंटू करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ये आ जाएगी 2,860,27,210 एंड 2,59,20। तो हम आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8,16,90, और इनका टोटल अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 2.723। तो ये आपकी कैश प्राइस हो गई। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डाउन पेमेंट नहीं दे रखी, इसलिए हम इसी को अपनी कैश प्राइस मान लेंगे। इसका ऑल्टरनेटिव तरीका एक ऐसा भी होता है कि इफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल, इफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल, ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, अगर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो हम एक साथ कर सकते हैं इक्वल होने पर, कि 30,000 को आप एक बार पी फैक्टर के टोटल से इंटू करें तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी 81690। तो आपको इतने अलग अलग हर इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेट ना करके डायरेक्टली भी हम अपने इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।